नमस्कार। कक्षा चार विषय गणित के इस कलांश में सभी छात्रों का अभिवादन, अभिभावकों को प्रणाम। हम विषय गणित में प्रकरण संख्याओं में जोड़ घटाओ प्रश्नावली 3 में हल कर रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 4 में पहला और दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, इसमें संख्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन सवाल पहले जैसे ही है, उनको हम हल करेंगे। यहाँ पर एक संख्या है 523 और 523 में 297 जोड़ना है। यहाँ एक जगह खाली है, इसमें संख्या भरने से रह गई है, तो 297 प्लस में 297 हम इसका जोड़ का सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है और ये इस प्रकार से एक वृत्त के अंदर प्लस का निशान है, फिर क्रॉस का निशान है। इस तरह से ये तीन केबिन बनते हैं, 1, 2 और 3। पहला और दूसरा को जोड़ने पर तीसरे में उत्तर आता है। तो 523 में हम 297 जोड़ेंगे, 297 इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये रफ जोड़ है और इसको इस कॉपी में भी हल करना और यहाँ डायग्राम में भी इसको हल करके दिखाना। 3 और 7, 10 का 0, 1 हासिल और 2 और 1, 3, 9 और 3, 12, 12 का 2 और 1 हासिल। इधर 5 और 1, 6, 6 और 2, 8, 820 इसका उत्तर आ गया है। हम यहाँ पर 820 लिखेंगे, इधर भी 820 लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न 523 और 143, 523 प्लस 143, 143 बराबर में ये खाली स्थान है, इसको हल करेंगे। अपने इस सवाल को यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, 523 और 143 इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 3, 6, इसमें कोई हासिल नहीं आई। ऐसे ही 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आया, इसमें भी कोई हासिल नहीं आई। 5 और 1, 6 बहुत ही आसान सवाल है। 666 कहाँ से ली थी संख्या हमने, 523 और 143, और इसका उत्तर आया 666। ये हमने 666 यहाँ लिखा। हमने जो प्रश्न यहाँ पे हल किया था, इसका उत्तर भी 666 है। तो इस प्रकार से हमने ये दो प्रश्न हल कर लिए हैं। ये कुछ रफ कार्य है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक सवाल और करेंगे। इसमें 523 में 601 जोड़ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पर 523 प्लस 601 और बराबर में, इन दोनों को जोड़ने पर इसका उत्तर इस कॉलम में आएगा। ये एक सीधा कॉलम है, यहाँ पर हम जोड़ते हैं 523 और ये है 601 प्लस, और इस प्रकार से हम इसको जोड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। 3 और 1, 4 कोई हासिल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं। 2 सीधा लिख दिया हमने, 5 और 6, 11, 1 को यहाँ लिखना, 1 को यहाँ अगले अंक के नीचे लिखना। कुछ बालक एक साथ लिख देते, ऐसा नहीं करना। तो अब इसका उत्तर आ गया 1124, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1124। इस प्रकार से ये सवाल भी पूरा हुआ, शेष सभी प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे। 1124, ये बालक स्वयं करेंगे। मैं एक और प्रश्न इसमें हल करवा देता हूँ, ये थर्ड नंबर था। अब हम प्रश्न नंबर 4 शुरू करते हैं। 4 नंबर की संख्याओं को मैं इसमें भरूँगा और इस प्रश्न को 4 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो प्रश्न नंबर 4 में जो मध्य में जो डायग्राम के अंदर संख्या है, वो हम अपनी पुस्तक में देखेंगे कि मध्य में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 4 में 932 लिखा है मध्य में, 932 प्लस, अब ये जोड़ का सवाल है, अगर घटाव का होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होता। अगली जो संख्या है 647, इस जगह पे लिखा हुआ है 647 बोला था, 647। इसके बाद में केवल 99, यहाँ पर केवल 99
और उसके बाद में 811 और 710, उसके बाद में 722, ये 722 और इसके बाद में 873 और इसके बाद में है 918, ये मैंने लिखा 918 और 248। पिछले प्रश्न के अंदर हमने ऊपर वाले जो डायग्राम के ऊपर वाले प्रश्नों को हल किया था, इस बार हम नीचे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। किसी की ये समस्या ना रहे कि ऊपर वाले तो हमें समझ में आ गए लेकिन नीचे वाले समझ में नहीं आए, तो इस बार हम ऊपर वालों को छोड़ रहे हैं। आपको कोई छोड़ना नहीं है, सभी हल करने हैं। मैं नीचे वाले प्रश्नों को शुरू कर रहा हूँ। 932, यहाँ हम लिखेंगे 932 प्लस, और ये पहला है 248, जो जो सवाल हमें करने हैं मैं उन सबको लिख देता हूँ। 932 अगला प्रश्न है, 932 प्लस ये 918। इस प्रकार से ये दो प्रश्न अभी हम हल करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 932 पहला प्रश्न लिख रहा हूँ और 248 प्लस का निशान, और इस प्रकार से मैंने हल करना शुरू किया। 8 और 2 10 का 0 1 हासिल, 3 और 1 4 और 4 8 कोई हासिल नहीं है, 9 और 2 11 ग्यारह में एक यहाँ एक यहाँ, 1180 किसको जोड़ा था हमने, 248, 1180 यहाँ आएगा, 1180। इस प्रकार से यहाँ भी सवाल किया था हमने, 1180 लिख दिया। दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे, 932 और 918, इसको भी हम जोड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये है 8, ये कहाँ से लिया है, देखो 932 और 918 इस लाइन में, इसका उत्तर इस कॉलम में भरा जाएगा। तो ये 2 और 8 10 का 0 1 हासिल, और 3 और 1 4 और 1 ये 5, ये और 9 और 9 18 होते हैं, 18 का 8 और ये 1 थोड़ा दूरी पर रहेगा, अपने स्थान पर रहेगा, मिला के नहीं लिखना है। 1850 हमने यहाँ लिखा, और एक बार और हम यहाँ लिखते हैं 1850। इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न रह गए हैं, ये बालक स्वयं करेंगे। आज इतना ही हल करेंगे। धन्यवाद।